भाजपा की कार्यपाली से प्रभावित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा में विश्वास जताते हुए भाजपा की सदस्यता ली। छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक के कांग्रेसी नेता बैकुंड राय ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ छिंदवाड़ा जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बैकुंड राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने आराध्य देव राम को भव्य मंदिर में विराजमान किया, धारा 370 को खत्म कर देश के सुख शांति का माहौल बना दिया, इसी कारण हम सभी भाजपा में जा रहे हैं। आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैकुंड राय जी अपने आदेश राय अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए, इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो इनके मन में भी यही चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और इनके मन में कहीं ना सबरे कांग्रेसियों के मन में कहीं ना कहीं एक दुख है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 500 वर्षों के बाद भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस ने बहिष्कार करी, तो सभी लोगों देश के नागरिकों का दिल दुखा है। तो ये इनकी भावनाएं प्रताड़ित हुई, दिल दुखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं बैकुंड भैया, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से यह क्रम चल रहा है, रोज बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर पर जो देश का एक एक नागरिक आज चाह रहा है कि मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसमें छिंदवाड़े की भी सहभागिता हो। और इस बार छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। और मैं समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।